गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपको पता ही है, सुबह से मैंने दो तीन बार पोस्ट भी किया है और उसके कारण मुझे लाइव भी आना पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट्स का काफ़ी डिमांड था कि आप पूरा एक्सप्लेन करो आके कि क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने क्या कहा था कि बींग अ लॉयर मैं समझ सकती हूँ कि कोर्ट कभी भी एक भी बंदा जो गलत तरीके से प्रिपेयर किया, गलत तरीके से जिसने एग्ज़ाम दिया है और पास हुआ है, एक भी बंदे को कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। और सेम स्टेटमेंट आज कोर्ट ने दिया है कि वी विल नॉट अलाउ इवन अ सिंगल पर्सन टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दोज माल प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन इन SSC। सॉलिसिटर जनरल ने बहुत कोशिश की कहने की कि करीबन 45,000 कैंडिडेट्स सफ़र करेंगे और जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनको भी परेशानी होगी, इसीलिए प्लीज़ आप इनको पैरेलल चलने दो और CBI की इंक्वायरी भी चलता रहेगा। कोर्ट ने एक ही चीज़ कहा सॉलिसिटर जनरल को कि हमेशा आप सेम एक्सक्यूज़ लेके आते हो कि जो कैंडिडेट्स जेन्युइन है वो सफ़र करेंगे, आप ये कोशिश क्यों नहीं करते हो कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको आप, ये जो गलत मैल प्रैक्टिसेस होता है वो मैल प्रैक्टिसेस को वीड आउट करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो आप लोग। आपका हमेशा एक ही एक्सक्यूज़ रहता है और हम ये एक्सक्यूज़ नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत आप कह रहे हो कि जेन्युइन कैंडिडेट सफ़र करेगा। जेन्युइन कैंडिडेट सफ़र करेगा, लेकिन वो भी तो जेन्युइन कैंडिडेट्स थे जो इन गंदे लोगों के कारण आउट हो गए, क्योंकि ये सारे सीट्स, ये जो मैल प्रैक्टिसेस करने वाले लोग हैं उन्होंने रिजर्व कर लिया। आज इनफैक्ट जो पिटिशनर है कन्हैया, उससे भी मेरी बात हुई, काफ़ी एट लेंथ बात हुई है और वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने केस पर अड़ा हुआ है। तो उसका यही कहना है कि आज तो प्रशांत भूषण जी को ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इनफैक्ट कोर्ट ही वही बात बोल रही थी, कोर्ट, जो प्रशांत भूषण जी बोलते हैं, यानी जजेस आज वही बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में जो इनफैक्ट पिटिशनर बोलता। और उन्होंने स्ट्रांगली ये बात कहा सॉलिसिटर जनरल से कि आप क्रेडिट ले जाइए ना, आप क्रेडिट ले जाइए, आप कैंसिल करवाइए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लेकिन ये कह रहे हैं कि कैंसिल होना चाहिए, आप क्रेडिट ले जाइए इस चीज़ का कि गवर्नमेंट बिल्कुल स्ट्रांगली इस बात के सपोर्ट में है कि हम गलत लोगों को एंट्री करने नहीं देंगे, और ये क्रेडिट आप ले जाइए लेकिन आप कैंसिल करिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट कैंसिल नहीं करेगी तो कोर्ट कैंसिल करेगा ही इसको। कुछ लोग बार बार मुझे कह रहे हैं कि नहीं, CPO भी होना चाहिए। देखो बात क्या है, जो कोर्ट में सबूत दी गई है, कोर्ट में सबूत पहुंचा है SSC CGL 2017 के मेंस का, मैल प्रैक्टिसेस का, और CHSL का करीबन 90 स्क्रीनशॉट रिमोट एक्सेस का उनके पास, और STF का जो रिपोर्ट है वो पहुँचा है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि बाकी एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप कोई सबूत देंगे तब। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कस्टोडियन ऑफ द पेपर है मिस्टर संत, उस पर आई है आज कि जो क्वेश्चन बैंक है उनके पास होता है और वो लिप्त पाए गए। इनफैक्ट CBI का स्टेटस रिपोर्ट आज सॉलिसिटर जनरल भी मांग रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि वी कांट शेयर दैट विथ यू, दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल। लेकिन बिल्कुल साफ है ये चीज़ कि पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस था मेंस का, पूरा टेंटेड था। इन फैक्ट आप एक्शन लीजिए और आपको ये कैंसिल करना चाहिए। वी विल नॉट अलाउ इवन अ सिंगल पर्सन टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। और रही बात 2017 की, तो वो मेंस तो कैंसिल समझो, क्योंकि जब उन्होंने फेवर कर दिया और उन्होंने कहा है कि आप कैंसिल करिए, क्रेडिट आप ले जाइए, इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप नहीं करोगे तो हम करेंगे, ये चीज़ है। और देखो, ये जैसे कहते हैं ना कि नहीं, आपको सब कुछ पहले से पता था, देखो जो लॉ है ना वो कॉमन सेंस है, और पिछले जितने भी जजमेंट्स, अगर पिछले जजमेंट्स की को अगर आप देख के बात करोगे ना, तो पिछला जजमेंट यही कहता है कि नहीं, एक भी गलत इंसान सिस्टम में नहीं होना चाहिए, और ये बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड लॉ है। इसीलिए अगर आप कभी हमें गालियां दे रहे हैं, कभी किसी को गाली दे रहे हैं, देखो एक चीज़ मैं बता दूं, कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से सफ़र किया है। हमारा पढ़ाया हुआ काम आता है जब
प्रोसेस तरीके से चले। अभी जैसे 2017 कैंसिल होगा, आपको क्या लगता है कि क्या फिर बच्चे पढ़ने आएंगे? बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे, क्योंकि वो और परेशान हुए पड़े, वो पढ़ने नहीं आएंगे। और 2018 वाले जो हमारे पास पढ़ने आते हैं, वो भी थोड़ा परेशान होंगे कि पता नहीं हमारा एग्ज़ाम कब होगा, तो इसीलिए वो पढ़ने हमारे पास नहीं आएंगे। हमारा, जैसे आप कहते हो कि आपका और बैचेस बनेगा, हम लोग खुद बहुत बड़े सफ़रर हैं। इन फैक्ट हम लोग इतने बड़े सफ़रर हैं कि अब मैंने सब टीचर्स को भी वॉर्न कर दिया है कि बुरे दिन आ गए हैं, इसीलिए आप लोग थोड़े अपने खर्चे कम करिए। बहुत पैसा कमाया आपने भी और बहुत खर्चे बढ़ा लिए होंगे, लेकिन अब वो जो समय था वो अभी बहुत दिनों तक डाउन रहेगा। इसलिए सब रियलिटी समझिए, रियलिटी यही है कि अच्छे दिन अभी नहीं आए हैं और अच्छे दिन आने में भी टाइम लगेगा। इसलिए सब कोई जितने भी सीट्स हैं उसी के लिए कम्पीट करना पड़ेगा। कोई भी वैकेंसी आता है, चाहे स्टेट लेवल का हो या कोई भी लेवल का हो, आप उसे भरिए, एग्ज़ाम दीजिए, और अगर किसी तरह का मैल प्रैक्टिसेस का पता चलता है तो हमें बताइए। क्योंकि अभी जो यूपी ट्रिपल एससी का जो हुआ था, उसमें मेरे पास वहाँ के इंक्वायरी के लोग आए थे, एसटीएफ वाले लोग आए थे, उनके पास, यहाँ तक कि आप सोच लो वो कॉल भी उनके पास था जो कॉल उस लड़के ने मुझे उस दिन किया था जिस दिन मैं जयपुर में थी। मतलब वो इन्वेस्टिगेशन कितना साफ सुथरा कर जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने पूरा मेरे मोबाइल से सारा चैट निकाला जो चैट उस लड़के के साथ था। इनफैक्ट मेरा मोबाइल टूट चुका है, लेकिन ये मोबाइल मैं चेंज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये कहना कि नहीं, आपको ये मोबाइल रखना पड़ेगा जब तक कि हमारा पूरा ये इन्वेस्टिगेशन ख़त्म ना हो जाए। तो मैं अपने तरफ से पूरा सहयोग दे रही हूँ, दो रीज़न से मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि मैं चाहती हूँ कि जिस बच्चों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ वो उस मंजिल तक पहुँच जाए जिस मंजिल का वो सपना दिख के निकलते हैं। सेकेंडली, मेरा अपना पर्सनल मैटर भी है, मेरा अपना पर्सनल रीज़न ये है कि हम भी तो तब तक पढ़ा के कमा पाएंगे ना जब तक पढ़ने वाले सिलेक्शन देंगे। तो मेरा भी वही है जो आपका रीज़न है। इसीलिए सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझिए कि ये अब थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन आपको मैं बता दूँ थोड़ा सा कि एक बार जब ये वेंडर चेंज होगा तो जो मैं जानती हूँ कट ऑफ नीचे आएगा, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस एक बार तो कंप्लीट फेयर, बहुत अच्छे तरीके से फेयर होगा। और अगर अच्छा वेंडर आ गया जिनको ये सब चीज़ों की लालच नहीं है तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक बहुत आश्चर्य की बात बता रही हूँ आपको, जो प्री बिड जो मीटिंग हुई थी एसएससी में, उसमें करीबन 10 वेंडर्स गए थे प्री बिड मीटिंग में, और उसमें एक सीफी भी था। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जो टेंटेड है, जिसको बिल्कुल लात मार के निकालने वाले लोग हैं, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। दूसरी बात है कि एक और केस फाइल हुआ है हाई कोर्ट में, जो आज ही मुझे थोड़ा ठीक से प्रॉपर जानकारी हुई इसके बारे में, क्योंकि पिटिशनर से मेरी बात हुई। वो हाई कोर्ट में फाइल हुआ है कि जो खुराना साहब का एक्सटेंशन हुआ है उनके टेन्योर का, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दैट इज़ अगेंस्ट लॉ। क्योंकि 62 ईयर्स में उनको रिटायर होना चाहिए था और वो अभी भी है ऑफिस में, और ये अगेंस्ट लॉ है। तो उनको एसएससी को जवाब फाइल करना था विद इन 4 वीक्स, और इस बार जज साहब नहीं बैठे थे, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी तक एसएससी ने जवाब फाइल तक नहीं किया है, और नेक्स्ट डेट 30 नवंबर को है। तो उस दिन जो भी होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या होता है। हाँ, इसका डेट 13 नवंबर रखा गया है, जो ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने बस यही कह दिया है गवर्नमेंट को कि आप कैंसिल करिए, और एक जो आप एक क्रेडिट होता है, क्रेडिट आप ले जाइए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड में ये कह दिया कि वी विल नॉट अलाउ एक भी कैंडिडेट सिस्टम में आना नहीं चाहिए। और आप ये बात का हमेशा एक एक्सक्यूज़ आप जो देते हो कि सफ़र करेंगे, जेन्युइन कैंडिडेट्स भी सफ़र करेंगे, वो हम नहीं मानेंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि कुछ लोग जो थर्ड पार्टी के रूप में एंटर किए थे,
उनका भी सेम स्टेटस है, उनकी बात भी नहीं मानी गई। कहा कि बहुत सारे जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव सफर्ड, बहुत सारे जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जो एट लॉस है। उन्होंने कहा भी कि नहीं, आप पैरेलल चलने दीजिए इस प्रोसेस को, सीबीआई का जो रिपोर्ट आ जाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में कह दिया कि मिनिमम हमें 6 मंथ्स चाहिए पूरा कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन में, इसीलिए 6 महीने तक इस प्रोसेस को लटकाना ठीक नहीं, बच्चे बाद में भी परेशान होंगे, उससे अच्छा अभी ही ये मामला खत्म कर दिया जाए। फिर काफी उनका ये था कि नहीं, आप हमें स्टेटस रिपोर्ट भी दिखा दीजिए। उन्होंने स्ट्रेट मना कर दिया कि हम स्टेटस रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये जो पैरेलल आप चाह रहे हो चलना वो पॉसिबल नहीं है। और जो स्टेटस रिपोर्ट है सीबीआई का, वो स्ट्रेट वे बताती है कि पूरा टेंटेड है, इसीलिए आप क्रेडिट ले जाओ लेकिन आप कैंसिल करो। सरकार का बस यही है कि सरकार को कैंसिल करना होगा, नहीं करेगी तो ये कर देंगे। खुराना साहब के भी खिलाफ जो केस है वो हाई कोर्ट में है और उसका डेट 30 नवंबर को है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है उसका डेट 13 नवंबर को है। तो देख लेते हैं आगे क्या होता है। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपको हमें बता दीजिए। देखिए, उन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी है उससे हम वीड आउट कर सकते हैं, जैसा मैंने क्वेश्चन देखा कि वीड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन टेंटेड है और कौन कौन गलत मैल प्रैक्टिसेस के थ्रू गए हैं। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि एक और कोई केस को साइट करके कि देखो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऑनलाइन में कौन कौन मैल प्रैक्टिसेस के थ्रू बेनिफिट हुआ है, ये पॉसिबल ही नहीं है पता लगाना। और इसीलिए ये कोई भी एजेंसी दुनिया का, सीबीआई छोड़ दीजिए, कोई भी एजेंसी दुनिया का नहीं पता लगा सकती है, इसीलिए आप इस बारे में बात ना करें कि वीड आउट करके हम जो गलत लोग हैं उनको निकाल दें। और जो एसटीएफ का रिपोर्ट गया है, करीबन 4,000 कैंडिडेट्स तो स्ट्रेट अवे वो दिखा रहे हैं कि बेनिफिटेड है इन सीएचएसएल थ्रू रिमोट एक्सेस एंड ऑल। तो फिर कौन कौन कहाँ बेनिफिटेड है वो तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, अच्छी बात, सबसे बड़ी अच्छी बात ये होगी कि जिनका 8, 10, 20 लाख रुपया लगा है ये सब चोरी चकारी में, उनके वो पैसे डूब जाएंगे, तो उसके बाद अगले बार वो ये सब गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे। और बताइए, देखो सीपीओ एसआई 2017 का कुछ नहीं बता सकते, हालांकि जो प्रैक्टिशनर है शायद वो नेक्स्ट डेट में यही मेंशन करेगा कोर्ट में कि कस्टोडियन ऑफ द पेपर सेम आदमी है, इसीलिए अगर ये इसमें लिप्त है तो उसमें भी लिप्त होगा। लेकिन इनके पास सबूत सिर्फ एसएससी सीजीएल 2017 का मेंस का था और सीएचएसएल का था, इसलिए वो दोनों पे तो स्टे लगा। इसीलिए और पूछिए, कुछ पूछना है तो आपको। अभी देखो, अभी फिलहाल तो मेंस की बात हो रही है और अभी जो प्री है उसके बारे में डिस्कशन नेक्स्ट बार में चलेगा। इस बार मैंने कहा ना, इस बार प्रशांत भूषण जी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, कोर्ट ही पिटिशनर का बिल्कुल पूरा कंप्लीट वो पक्ष ले रहे थे। नया वेंडर लेगा, सीफी तो नहीं लेगा, ये बात तो तय है। सीफी को अब मुझे नहीं लगता है कि सीफी को कोर्ट ही अलाउ करेगी, नहीं, अब सब कुछ नया वेंडर लेगा, क्योंकि सीफी में सीफी के स्टाफ लिप्त पाए गए हैं, जो पेपर रखते हैं, जो पेपर क्वेश्चन बैंक बनाता है वो लिप्त पाया गया है, इसलिए सीफी तो नहीं लेगा। प्री कैंसिल होगा कि नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि प्री का अभी तक वो कोई सबूत दे नहीं पाए हैं। हाँ, अगर स्टेटस रिपोर्ट में एसएससी, देखो सीबीआई का जो स्टेटस रिपोर्ट है, सीबीआई को जांच करने में 6 महीना टाइम लगेगा। अगर सीबीआई अपनी जांच में ये पाती है कि ये आदमी इस पेपर का भी पेपर आउट किया है, तो हो सकता है वो सारे कैंसिल हो जाए, लेकिन अभी कुछ पता नहीं। आप एमटीएस का पूछ रहे हो, सीएचएसएल का पूछ रहे हो, तो मैंने बताया आपको सीएचएसएल और सीजीएल 2017 का मेंस, बस ये दोनों पे स्टे लगा और ये दोनों को कैंसिल करने का बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और पूछे, आप लोग सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, एमटीएस का और सीपीओ का कोई सबूत नहीं इसलिए उसका कुछ बता नहीं सकते। और दूसरी बात, एक चीज़ और है कि कुछ लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, प्रिपरेशन छोड़ दें, प्रिपरेशन छोड़ दें। यार एक बात बताओ ना, आपको सब कुछ छोड़ दो, हो जाएगा काम? और आप सोचोगे ठीक है डेट आ जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। प्रिपरेशन जारी रखो। और सबसे मेन चीज़ है कि एक तो आप लोग को मुझे नहीं समझ में आता, आपको पता है मैंने लाइफ में इसलिए हिम्मत नहीं छोड़ी क्योंकि मुझे एक एग्जाम्पल भी तो सेट करना था बच्चों के सामने कि हिम्मत छोड़ देंगे ना तो सब बर्बाद है। कम से कम एज ए टीचर भी तो मुझे, आप लोग सोचो कि हाँ, एज ए मेंटोर भी कि हाँ,
मैंने अपने लाइफ में कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। कैसे आप हिम्मत छोड़ने की बात करते हो कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ? क्या फ्रस्ट्रेट हो गए हो? अभी तो घर में बैठ के खा रहे हो, आराम से फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखो। और दूसरी बात है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत जल्दी आप लोग फ्रस्ट्रेट होते हो। भाई बच्चों को मैं यही समझाती हूँ, आपका कान दोनों एक ही अलाइनमेंट में क्यों? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं किसी की बात को, ठीक है? मस्त रहो, लाइफ में बीच में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ना। हिम्मत छोड़ दिए तो सब कुछ ख़त्म है, आपको बताती हूँ मैं। अब एक कह रहा है कि लड़की भी छोड़ के भाग गई। यार जो छोड़ के भाग गई जाने दो, कल किसी और के लिए छोड़ के भाग जाती तुम। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जाएगी तो दूसरी आएगी। क्लास में समझाती हूँ बच्चों को कि एक जाएगी तो दूसरी आएगी, टेंशन मत लो उसका। आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो, एकदम सिर्फ एक मकसद रखो लाइफ में कि सबसे पहले हमें एक सिलेक्शन लेना है। प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि आप प्रिपरेशन छोड़ दोगे ना तो सारा दिमाग सीधा उधर हो जाएगा। इसलिए रोज रेगुलर वे पे प्रैक्टिस करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? और किसी तरह कोई अगर क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि बात क्या है ना, मेरा व्हाट्सएप इतना भर जाता है कि उसके बाद 3-4 महीने के बाद मेरा व्हाट्सएप खुलना ही बंद हो जाता है, बहुत मुश्किल से खुलता है। तो आप एक काम करो, आप मुझे मैसेज कर देना अगर किसी, लेकिन क्वेश्चन कुछ डिफरेंट होना चाहिए, अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं। 8860330003 में मैसेज कर देना, टेक्स्ट मैसेज करोगे। और देखो मैं एक चीज़ जानती हूँ, मैं खुद बहुत मेहनत करती हूँ, मैं चाहती हूँ आप भी मेहनत करो और बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट इतना बड़ा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, सरकारी नौकरी बंद नहीं होगी, इसीलिए आप लोग प्रिपरेशन करते रहो। स्टेट वाइज भी बहुत वैकेंसी निकल रही है और बहुत जल्दी ही SSC की वैकेंसीज पूरा कंप्लीट बाहर आएगा। मैं आपको विश्वास नहीं है, ये नहीं कह रही मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ, क्योंकि मैंने जो कहा है अभी तक कुछ गलत हुआ है बताओ? कुछ लोग अननेसेसरी बिना बात का फेसबुक में आते हैं, यूट्यूब में आते हैं और अननेसेसरी डिस्कशन करते हैं। मैं अननेसेसरी डिस्कशन करने के लिए कभी नहीं आती हूँ। मैं बिल्कुल हमेशा जब भी डिस्कशन करती हूँ टू द पॉइंट डिस्कशन करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि यही सब चीज़ें होने वाली है, वही मैं आके बताती हूँ। और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो पहले अच्छे से दिवाली मना लो, बिहार वाले अच्छे से छठ भी मना लो। मेरा 22 नवंबर से एक नया बैच आने वाला है और मैं जो प्रिपरेशन कराऊंगी टॉप मोस्ट लेवल का मटेरियल प्लस अप टू द टॉप मोस्ट लेवल में पढ़ाऊंगी। आज भी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, जितना मेहनत आप करते हैं ना उतना ही मेहनत मैं करती हूँ। मेहनत को एक आदत बना लो, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा फिर हमें मेहनत, क्योंकि उसके बाद कैसे नहीं मेहनत करोगे? क्या उसके बाद आपको IAS की तैयारी नहीं करनी है? आप रुकना क्यों चाहते हो लाइफ में? लाइफ में रुकने की बात मत करो, हमेशा एक मेहनत को आदत बना लो। और सच की जीत हमेशा हमेशा सच की जीत होती है, ये मान के चलो। इसलिए कुछ लोग जिन्होंने सिस्टम को गंदा किया है वो सब ख़त्म होने वाला है, और अब जो नया वेंडर आएगा, रिमेंबर वन थिंग, फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स आप प्रोसेस को फेयर मान के चल सकते हो कि प्रोसेस फेयर होगा। देखो एक बात बताऊँ, आप कह रहे हो आप इलेक्शन लड़ लो, मैं अगर इलेक्शन लड़ लूँ मुझे कोई पार्टी टिकट नहीं देगी, मैं मुंह पर बोलने वाली हूँ। क्योंकि लोग ये कहते हैं ना जैसे कि नहीं आप, मैं किसी भी पार्टी के सपोर्टर नहीं हूँ, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं मैं अगेंस्ट जरूर बोलती हूँ, अच्छा काम करते तो मैं अच्छा बोलती हूँ, लेकिन मैं अब बहुत खुश नहीं हूँ जिस तरह का सिस्टम चल रहा है और कोई सुनने वाला भी नहीं है। ये सबसे गंदी बात है ना, बहुत गंदी बात है कि कोई सुनने वाला भी नहीं है, और बिना बात का उस चीफ को एक्सटेंशन दिया जा रहा है और वो भी आउट ऑफ द वे जाके जो ऑलरेडी रिटायरमेंट का एज पार कर चुके हैं। तो एनीवे वो सब चीज़ें हमारी मतलब की चीज़ नहीं है, हमें सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स को साफ़ सुथरी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, हमारा काम भी ठीक से चलता रहे, हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो और हम भी ईमानदारी की 2 रोटी कमा लें, बस हम यही चाहते हैं। बाकी किसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन आएगा फिर से मैं लाइव आऊँगी, और तब तक के लिए नमस्कार।